हेलो एवरीवन, दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को आखिर तक देखे ताकि आप लोगों को पता चले कि ये वीडियो दरअसल है किस लिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो अभी चलते हैं अपनी आज की ड्रिल की तरफ। हेलो फ्रेंड, तो अभी आते हैं आज के अपनी वीडियो की तरफ। बहुत से दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि हाउ टू स्विंग टेनिस बॉल। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है, मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो स्पीड तो मस्ट है उसके लिए। मतलब आपके पास पेस स्पीड होना चाहिए। मतलब हर इसके मुकाबले में लेदर बॉल में क्या होता है कि मतलब आपको स्विंग करने के लिए पेस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके जो स्टिप्स है अगर वो फॉलो करते हैं हर बॉल में तो स्विंग होता है। लेकिन टेनिस बॉल में क्या है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मतलब स्विंग का बॉल को स्विंग करने के लिए पेस हो। लेकिन उसके मतलब सिर्फ पेस है तो मतलब स्विंग नहीं होता। तो उसके लिए कुछ टिप्स है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम मतलब टेनिस बॉल में कैसे स्विंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करेंगे मतलब हाउ टू स्विंग इन स्विंग अ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल से हम इन स्विंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारे पास एक टेनिस बॉल, जो दरमियान वाला जो ग्रिप है मैंने ब्लैक टेप से उसे मतलब ब्लैक टेप चढ़ाया है उसके ऊपर ताकि आप लोगों को सही तरीके से मतलब पता चले। तो अभी बात करते हैं दोस्तों कि बॉल को टेनिस बॉल को इन स्विंग करने के लिए हमने जो स्टिप्स फॉलो करने हैं उसके बारे में मतलब बात करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास मतलब दोस्तों टेनिस बॉल। तो इन स्विंग के लिए हम मतलब बॉल को कैसे ग्रिप करेंगे, तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है दोस्तों वो आएगी जो सीम जो ग्रिप है बॉल की जो ग्रिप है उसके ऊपर, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो आएगी साइड ऑफ द बॉल पे, मतलब साइड ऑफ द बॉल पे। ये तो हो गई दोस्तों हमारे पास टेनिस बॉल को इन स्विंग करने के लिए हमारे पास ग्रिप। लेकिन आपने क्या करना है दोस्तों को कि बॉल को थोड़ा सा अंदर की तरफ, बॉल को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेग स्लिप की तरफ आपने थोड़ा सा उसका जो सीम है वो थोड़ा सा लेग स्लिप की तरफ करना है। ठीक है, अभी आते हैं दोस्तों अपनी दूसरे स्टिप की तरफ के। दूसरे स्टिप में हमने क्या करना है, तो दूसरे स्टिप में हमने ये करना है दोस्तों कि आमतौर पर जब हम बॉलिंग करते हैं मतलब सीधी तरह बॉल करते हैं तो जो हमारी पाम होती है ना, हमारी पाम जो होती है ना वो सीधा बैट्समैन को फेस करती है। लेकिन अगर हम बॉल टेनिस बॉल को मतलब इन स्विंग करना चाहे तो हमने क्या करना है कि अपने पाम को सीधा नहीं रखना, अपने पाम की इस वाली हिस्से को जो थंब फिंगर का जो नीचे वाला हिस्सा है उससे बैट्समैन को मतलब फेस करना है। मतलब इसी तरह से नहीं, इसी तरह से मतलब अपने हाथ को थोड़ा सा लेग स्लिप की तरफ मतलब हमने घुमाना है और जो हमारी ये वाला हिस्सा है ये मतलब बैट्समैन को फेस करेगी। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है दोस्तों कि हम जब बॉल को मतलब रिलीज़ करेंगे तो अपनी दोनों उंगलियों से मतलब बॉल को रिलीज़ नहीं करेंगे, ऐसे तो रिलीज़ करेंगे अपनी दोनों फिंगर से, लेकिन जो हमारी मेन फिंगर है जिससे हम बॉल को रोल करेंगे वो होगी हमारी मतलब मिडल फिंगर। हम अपनी मतलब आखिरी कॉन्टेक्ट जो होगा हमारी बॉल के साथ वो हमारी जो मिडल वाली फिंगर है उसका होगा। मतलब हमने बॉल को मिडल फिंगर से तेज़ी के साथ मतलब रोल करना है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो उसके साथ सिर्फ सपोर्टिंग रोल अदा करेगी। लेकिन हमने जो बॉल को जो रिलीज़ करना है वो अपनी मिडल फिंगर से, मतलब अपनी मिडल फिंगर से जो साइड ऑफ द बॉल पे रेस्टेड है उससे बॉल को रिलीज़ करना है। ठीक है दोस्तों, और चौथी स्टेप में हमने क्या करना है दोस्तों को हमारी हैंड है, जो हमारी हाथ है वो क्या होगा कि वो बाहर से नहीं आना चाहिए। इन स्विंग के दौरान अगर आप टेनिस बॉल के साथ इन स्विंग करना चाहे तो आपकी जो हाथ है वो बाहर से नहीं आना चाहिए। वो आप क्लोज टू हेड, वो जो आपका जो हाथ है वो मतलब आपने मतलब बॉडी को थोड़ा ठेला करना है, मतलब सीधे बॉडी के साथ अगर आप आओगे तो वो क्या होगा कि आपकी बॉल जो है वो वाइड टू बॉडी आएगा तो फिर आपकी जो इंस्टिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ी सी मतलब टेढ़ी बॉडी के साथ जो आपका हाथ है, जो आपकी आर्म है वो क्लोज टू हेड आपने लाना है। और फिर क्या करना है आपने कि फॉलो थ्रू के दौरान आपने जो फॉलो थ्रू है आपकी वो आपने बाहर नहीं ले जाना। आपकी जो फॉलो थ्रू है वो आपने क्या करना है कि अपने हाथ को यहाँ पे मतलब आपने अपनी फॉलो थ्रू यहाँ पे ख़त्म करनी है। मतलब आपकी जो फॉलो थ्रू है वो आपकी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। आपकी जो फॉलो थ्रू है इन स्विंग के लिए वो यहाँ पे आपने यहाँ पे फिनिश करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, जो चार पांच स्किप थे हाउ टू स्विंग अ टेनिस बॉल, उसके लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्रिकेट साइंस। मिलते हैं अगली वीडियो में।